हमने रुख किया तपोवन के रेनी गांव का, जहां पिछले साल 7 फरवरी को ऐसी आपदा आई थी जिसने पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल दी। हाईवे को छोड़कर कुछ किलोमीटर पैदल चल के हम आ गए हैं ऋषि गंगा के किनारे रेणी गांव में। ठीक एक साल पहले 7 फरवरी 2021 में यह आपदा आई थी। आमतौर पर जब आपदा आती है तो लोगों का पलायन हो जाता है, जिसके बाद भूतिया यानी घोस्ट विलेज बन जाते हैं और लोग वापस नहीं आते। लेकिन मौजूदा सरकार में क्या कुछ फर्क आया है या नहीं है, यही हम सीधा बात करते हैं। यहाँ पे गांव की महिलाएं हैं। गांव वापस बस गया है या फिर लोग चले गए वापस? ना कोई जो लोग छोड़ के गए थे वो वापस आ गए? नहीं, यही गांव में वो सब वापस है। मतलब आप कोई मतलब विस्थापित नहीं हुए, मतलब वापस गांव में आप रह रहे हैं? तपोवन में प्राकृतिक आपदा के बाद गांव के लोगों की जिंदगी किसी तरह पटरी पर तो लौट गई, लेकिन जो लोग बाहर से यहां आए थे वो कभी वापस नहीं लौटे। यहां पर जब आपदा आती है, जैसे तपोवन इलाके में एक साल पहले आई थी, तब लोग पलायन कर जाते हैं और वापस नहीं बसते। सरकार की तरफ से भले ही मुआवजा दिया जाता है, मदद दी जाती है, लेकिन इस तरीके से लोगों के घरों में ताले लग जाते हैं। समस्या ये है कि ऋषि गंगा महज कुछ 100 मीटर नीचे से बह रही है, लेकिन वहां से पानी ऊपर लाने का कोई प्रबंध नहीं। जो नौकरी वाले हैं, उनका तो पलायन है ही, अब जो गरीब आदमी है उनका तो हो ही नहीं रहा। मतलब जिसे नौकरी मिल जाती है, जिसे सुविधाएं मिल जाती है, वो नीचे चला जाता है, जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ रहता है। हाँ, पलायन का दर्द क्या होता है, इसका एहसास हमें 80 साल के इस बुजुर्ग ने कराया। 2 बेटों की नौकरी देहरादून और पंजाब में है, घर में माँ अकेली रह गई है, बेटे की तस्वीर को देखकर ही ये सब्र कर लेती। तो ये एक बड़ी समस्या है पहाड़ों में कि कई बार रोजगार नहीं, कई बार संसाधन नहीं, शहरों की तरह वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं, कभी कभी नेटवर्क आता है, कभी कभी नहीं आता है। और इस तरीके से 80 साल की बुजुर्ग, बच्चा जो पंजाब चला गया और एक देहरादून में है, उनकी तस्वीरें देखकर भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है। 80 साल की उम्र है, बच्चे कहाँ हैं आपके दोनों? दोनों जो पंजाब में या देहरादून में। क्या करते हैं पंजाब और देहरादून में? मैं क्यों जानी रहा यानी को पता है। सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी। आप यहाँ अकेले रहते हैं? अकेले रोन के कन ये मुहैया था। मिलने आते हैं बच्चे? मिलने आते हैं? आते हैं बच्चे। तीज त्योहार दिवाली होली आते हैं? उत्तराखंड की राजनीति में घोस्ट विलेज और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी पार्टियों ने रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने का वादा किया था, लेकिन ना तो गांव की तस्वीर बदली और ना ही तकदीर। एक बार फिर वोटिंग का वक्त है, फिर वही कांग्रेस और बीजेपी है। अब ऐसे में दुविधा है कि चुने तो आखिर चुने किसे। बेरोजगारी बड़ी समस्या है। क्या समस्या है यहाँ पर, क्या सोच के वोट देंगे? सोच के क्या देंगे, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे जो भी मतलब बाहर के मतलब नेता आते हैं, वो आते हैं और बोलते हैं और चले जाते हैं, करते कुछ विकास कुछ नहीं करते। कांग्रेस बीजेपी किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया अभी तक सर। क्या कुछ विकास वगैरह हुआ है? विकास विकास तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ग्राउंड पे, विकास तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा है कि जो अभी तक जो भी हुआ, डबल इंजन की सरकार तो फेल हो चुकी है। तो कुल मिलाकर की जो तपोवन का इलाका है, आपदा पलायन जैसी स्थिति से निपटने के बाद ये चाहता है कि अगर रोजगार और संसाधन दोनों यहाँ मिल जाए तो पलायन रुक जाएगा और प्राकृतिक आपदाओं के बाद केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की मदद से पलायन पर पूर्ण विराम लग जाएगा। विजयनिश जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, तपोवन।